दोस्तों, जब कहीं घूमने की बात होती है तो समुद्र के किनारे, ऐतिहासिक जगह, रोमांचक जंगल या द्वीप के बारे में ही जिक्र होता है। हमारे भारत में भी हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश तक ऐसी कई खूबसूरत घाटियां हैं जहां पर एक बार जाने के बाद आपका भी वहीं रहने का मन हो जाएगा। उत्तर भारत में भी ऐसी कई घाटियां हैं जिनका नाम सैलानियों की लिस्ट में सबसे टॉप पर होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी ही घाटी के बारे में बताऊंगा जहां पर घूमने आने के लिए आपका मन भी व्याकुल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित दिरांग वैली के बारे में। दिरांग वैली अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत व लोकप्रिय जगह है जो कि असम के गुवाहाटी शहर से लगभग 310 किलोमीटर रोड डिस्टेंस व असम के ही एक दूसरे शहर तेजपुर से लगभग 200 किलोमीटर रोड डिस्टेंस पर बोमडिला व तवांग के बीच में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दिरांग वैली शानदार प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी फेमस है। बरसात के बाद जब सर्दियां आने लगती है तो इस वैली की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यहां पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ व हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। दिरांग वैली न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि अन्य कई कारणों की वजह से भी फेमस है, जैसे कि यहाँ पर मौजूद गर्म पानी का कुंड, कीवी फल के बागान, टीडीएल मोनेस्ट्री, कालचक्र मोनेस्ट्री, लुंग मोनेस्ट्री आदि दिरांग को और भी फेमस बना देते हैं। दोस्तों, दिरांग वैली के पास ही स्थित दिरांग दिजोन नाम से गाँव है जो म्योंग नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर कुछ घर 500 साल से अधिक प्राचीन है। यहाँ के घर किसी भी मौसम की मार से बचने के लिए कुछ खास प्रकार से डिजाइन किए गए हैं। यहाँ आपको तिब्बती संस्कृति की झलक बहुत ही करीब से देखने को मिल जाती है। ऐसे तो दिरांग में कई मोनेस्ट्री है, लेकिन यहाँ की मुख्य मोनेस्ट्री थुपसुक धारगी लिंग मोनेस्ट्री है जो कि एक बहुत ही आकर्षक और विशेष है। ये मोनेस्ट्री 2017 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गई थी और इसका इनोग्रेशन 14वें दलाई लामा द्वारा 6 अप्रैल 2017 में किया गया था। दोस्तों, बताया जाता है कि इसके इनोग्रेशन के समय यहाँ पे लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। दोस्तों, ये मोनेस्ट्री इतने खूबसूरत ढंग से बनाई गई है कि यहाँ पर घूमने आए लोग इसकी खूबसूरती को निहारते ही रह जाते हैं। मोनेस्ट्री में आने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है, जब यहाँ से पूरे दिरांग वैली का एक बहुत ही अच्छा नजारा भी देखने को मिल जाता है।
दोस्तों, आप दिरांग आए हो और गर्म पानी का कुंड घूम कर न जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। दिरांग हॉट वाटर स्प्रिंग दिरांग की एक अलग ही पहचान है। दिरांग आने वाले लगभग सभी सैलानी इस गर्म पानी कुंड पर घूमने के लिए जरूर जाते हैं। वह यहाँ पर दिखने वाली नदी और पहाड़ों के नजारे का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, दिरांग घूमने आए लोगों के लिए यहाँ पर कुछ और भी बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है, जैसे कि संगति बेली, मंडला टॉप, नुकमादुंग वार मेमोरियल, दिरांग दी जोन फोर्ट आदि जगहों का लुत्फ भी आप दिरांग के साथ साथ ही उठा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी जगहों को मैं अपने आने वाली वीडियोस में भी कवर करूंगा। इसके लिए आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना न भूले। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मूवी देखने का शौक रखते हैं तब भी आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ के TNZ मल्टीप्लेक्स सिनेमा ने दिरांग की इस कमी को भी पूरा कर दिया है। इसमें एक समय में दो स्क्रीन प्ले होती है, वे ये मल्टीप्लेक्स मार्केट के बीचों बीच ही स्थित है। इसके साथ ही दिरांग में ठहरने के लिए 2000 रुपए के स्टार्टिंग रेट पर होटल और गेस्ट हाउस आपको यहां पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, दिरांग घूमने आने का सबसे अच्छा टाइम जनवरी से लेकर अप्रैल व सितंबर से लेकर नवंबर होता है, जिसमें कि आप यहां पे आने के बाद यहां के सौंदर्य का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, दिरांग आने का रास्ता सिर्फ रोड द्वारा ही है, इसलिए यहां आने के लिए आपको सिर्फ स्वयं की गाड़ी होना या टैक्सी द्वारा आना ही संभव है।